सर्चेबल टाइटल और रैंकेड कीवर्ड हर एक बड़ा क्रिएटर ना इसी तरह प्रोसेस करता है अपने वीडियोस के लिए। दोस्तों यूट्यूब पर काम करना है ना तो यूट्यूब के एल्गोरिदम के साथ चलना होगा, थोड़ा सा यूट्यूब का एल्गोरिदम समझना होगा आपको, तभी जाकर आप ग्रो कर पाओगे। बहुत अच्छा वीडियो बनाया आपने, बहुत अच्छा एडिट करके उसको अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, लेकिन क्या होगा उसका टाइटल अगर काम ही नहीं कर रहा तो सर्च में ही नहीं आ रहा आपका वीडियो, किसी के सर्च में नहीं आ रहा तो वो किस काम का वीडियो, आपकी पूरी मेहनत ना वेस्ट जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप सर्चेबल टाइटल कैसे पता कर सकते हो 100%। यहाँ पे मैं आपको टाइटल सर्च करके दिखाऊंगा। अगर आपका वीडियो उस लोगों के पास भेजना है तो उसके लिए आपको ना सर्चेबल रैंकेड रैंक करने वाले टैग्स भी पता करने होंगे, तो वो भी कैसे पता कर सकते हो वो भी बताऊंगा। चाहे कितना भी आप मेहनत करके एक अच्छा वीडियो बनाओगे लेकिन आप उसमें टाइटल और टैग्स अच्छे ना यूज़ नहीं करोगे ना तो इसी काम का नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके कैटेगरी का कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो उसके आप टैग्स, उस यूट्यूबर ने खुद के वीडियोस में कौन से टैग्स यूज़ किए हैं वो आप पता करके आप, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप एक बड़े क्रिएटर के टाइटल और टैग्स कैसे पता कर सकते हो, वो भी रैंकेड और सर्चेबल, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि आपके पास ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सर्चेबल टाइटल कैसे पता कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे ट्यूबबडी पे, देखो यहाँ पे ट्यूबबडी ओपन करना है आपने, और अगर आपके आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो यहाँ से पहले अपना चैनल ओपन करने के बाद अपनी आईडी दिखाई देगा, तो आईडी दिखाने के बाद उससे लॉगिन कर लो, ठीक है, ईजी है, आप कर सकते हो ये, ठीक है। ट्यूबबडी ओपन होने के बाद क्या करो, यहाँ पे मेनू पे क्लिक कर दो, ठीक है। मेनू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो टैग एक्सप्लोर, तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे हाउ टू मनी अर्न लिख देंगे। थोड़ा सा वेट कर दो, तो यहाँ पे देखो इसके सर्च वॉल्यूम क्या है, अभी बहुत ही लो है 31%, और कंपटीशन भी 30 है, वेरी गुड। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम इसके 100 हो तभी आपको ना इसका फायदा हो सकता है। तो अभी क्या करना है हमें, इससे टाइटल चेंज करना है, यहाँ क्या करें, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे ये देख लेते, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ओके, और क्या करेंगे, चलो हम यहाँ पे ये पेस्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ये देखो 100%, यहाँ पे देखो 100% दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या करना है, ये फर्स्ट टाइटल क्या करो आप किसी पेन से या किसी साइट पे नहीं कॉपी करके ले लो, तो आपको क्या करना है, आपका सर्चेबल टाइटल यहाँ से मिल गया। इसी तरह से आपने वीडियो का टाइटल भी यहाँ पे आकर ना एक बार चेक करना है, अगर उसका सर्च वॉल्यूम 100 दिखा रहे ना तो 100% वो टाइटल आप यूज़ कर लो, आपका टॉपिक कोई भी हो लेकिन वो टाइटल यहाँ पे आकर एक बार सर्च कर लो, ठीक है। यहाँ भी इसका देखो हाई दिखा रहा है सब कुछ, सर्च वॉल्यूम भी 100 है, एवरेज 6559 है, और वेरी गुड बता रहे, तो ये बहुत ही बेस्ट है। इस तरीके से हो सकता है इस पर ना व्यूज़ ज़्यादा आ जाए, है ना, तो इसकी वजह से ये बेस्ट तरीका है। तो आपके वीडियोज़ को भी ना इसी तरह से चेक करने के बाद ही आप यूज़ करो। तो ये तो हो गया सर्चेबल टाइटल, ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है। और क्या करना है, इसी तरह से एक हिंदी में भी एक इंग्लिश में टाइटल सर्च करो यहाँ से, और दूसरा हिंदी में यूज करो, ठीक है, इसी प्रोसेस से आप हिंदी में भी निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया टाइटल, आप सर्चेबल टाइटल कैसे पता कर सकते हो, ठीक है, ट्यूबबडी से, बहुत ही ईजी है, आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखने के बाद आप 100% कर सकते हो। ये हो गया सर्चेबल टाइटल पता करने का तरीका, ठीक। और बड़े यूट्यूबर की भी टैग आप पता कर कैसे कर सकते हो ये भी मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में आ जाओ, और क्रोम ब्राउज़र ऐप पे आने के बाद यहाँ पे रैपिड टैग, ये देखो रैपिड टैग सर्च कर दो। यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे देखो ओपन हो जाएगा, पहली वेबसाइट पे क्लिक कर दो, यूज टैग जनरेटर, इस पे क्लिक कर दो जनरेटर पे, और यहाँ पे जो भी आपको पहले आपने सर्च किया था 100% टाइटल वाला जो सर्चेबल टाइटल था ना, तो वही आपको यहाँ पे पेस्ट करना है जो आपकी टॉपिक है उसके रिलेटेड, ठीक है। तो मेरी टॉपिक है, अभी मैं आपके समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो मेरी टॉपिक है
हाउ टू मेक मनी ऑन यूट्यूब, तो इस पर मैं अभी इसके टैग आपको निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी तो इसको सर्च कर देते हैं आप यहाँ पे। और इसी तरह से आप किसी बड़े यूट्यूबर के बिना उसका पूरा टाइटल पता करने के बाद यहाँ पे उसका टाइटल पता कर दो, और यहाँ पे आने के बाद वो टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो उसके सारे टैग आपको पता चल जाएगी इसी तरह से, ठीक है। और यहाँ से आप चाहे तो एक एक कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे दिख रहे ना ये पूरे ऊपर वाले टॉप के 10-12 टैग ही लेना है आपको, और नहीं तो पूरे भी कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखो कॉपी टैग्स ऑल, तो ये भी होता है। और भी एक तरीका होता है जिस कॉपी लिंक शेयर करके भी आप टैग पता कर सकते हो, तो ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दो, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो।